नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये इंजन जो है इसमें नाजल, प्लंजर, डेबरी वाल हर चीज़ नई डाली गई थी, फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। साथ साथ ये भी बता दें, इसमें बोर भी नया पड़ा था, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसमें दोस्तों पहले तो जो ये ऑटो मेजर है इसमें लीकेज है, इसको हम खोल कर दोबारा सही से पहले तो इसको हम टाइट कर लेंगे। क्योंकि इसमें प्रेशर निकला है, इसका पता चल रहा है इसमें लीकेज है। स्टार्टिंग ना होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ा काम करने के बाद भी आपका इंजन नहीं स्टार्ट होने देती हैं। ये जो ऑटो मेजर से दोस्तों ये राड लगा होता है प्रेशर पाइप से, ये भी ढीला था, इसको भी टाइट करना पड़ेगा। इसमें उस ऑटो मेजर में भी जो है लीकेज थी, और ये जो पाइप है इसमें भी ऑटो मेजर जो लगा होता है उसमें भी लीकेज होती है। इसको मैंने टाइट कर दिया, अब हम फिर पंप खोलेंगे, क्योंकि जब हर चीज़ इसमें नई डाली गई है फिर ये दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसकी ठोकर को चेक करेंगे। इसमें ठोकर में नीचे एक गड़ारी लगी होती है, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि इन्होंने बताया था कि अगर ज़्यादा ठोकर बढ़ाई जाती है तो प्लंजर जाम करने लगता है। इस इंजन की दोस्तों टी नहीं इसमें है, इसलिए डीजल के रोकने के लिए हमको कोई डिब्बे की ज़रूरत होगी, क्योंकि डीजल बहुत महंगा है, इसको बेकार होना नहीं चाहिए। अब एक डिब्बा मंगवा कर इसमें हम लगाएंगे पहले। ये डिब्बा लगा दिया कि डीजल जो निकले इसी में रुक जाए, क्योंकि इसमें अगर टी होती तो उसको बंद कर दिया जाता, इसमें टी है नहीं। ये दोस्तों लिस्टर की ठोकर होती है, देखिए इसमें दोस्तों गड़ारी में कितनी चाल है आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं हम।
ये देखिए, इसको निकाल कर हम दूसरी लगा देंगे दोस्तों, सारी दिक्कत यहीं से होगी आपको बता रहे हैं हम। इसको निकाल कर इसमें हम नई डाल देंगे। सेटो ही आओ बबन जी, इसमें नई डाल दी हम, इसको अब इसमें डाल देंगे। इसमें खांचा होता है जो देख कर डाला जाता है। इसका दोस्तों बुश भी कटा हुआ है, देखिए कितनी इसमें चाल है, बुश इसका बनने वाला है, इसलिए इसके एक साइड में टाइट करने के लिए नट लगा होता है, उसको हम एडजस्ट कर देंगे, टाइट कर देंगे। केवल ऐसे भोकाल मनाए काम मनाए देते, यह तो जो कि हमारे बहन चक्कर में बनाई इंजन है, जो कि हमारे बहन मिस्त्री के चक्कर मिस्त्री बनी। अरे मामन रोज पूरा भांजा कर दो, पूरे भांजा कर रहे बन नहीं वो आगे जो कही तो जब तक मिस्त्री से बने थे तो बनी गई नेट वाले के सहारे जो कोई गवा एम घुमाई बुक पकड़े हो। अब इसकी दोस्तों बांधने से पहले इसकी ठोकर को हम चेक कर लेंगे एक रिंच को रखकर। इसकी टाइमिंग एकदम सही है इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं, गड़ारी बदली थी इसलिए हमने कहा देख लें इसकी ठोकर तो ज़्यादा नहीं हो गई है, क्योंकि अगर ठोकर ज़्यादा हो गई तो फिर प्लंजर जाम हो जाएगा। हम यहाँ जब करी थी है अब इस पर पंप हम बांधेंगे तो सब नाश कर लिया, क्योंकि जो पता हम खिलवाड़ करी थी। एक बात हम और आपको बता दें, ये जो हमारे हाथ में स्प्रिंग देख रहे हैं बांधते वक्त, ये दोस्तों जब आपका गवर्नर ना काम करे, इंजन धीमा तेज होने लगे, कोई भी दिक्कत आ जाए तो बिना खोले आप स्प्रिंग को आप एक पत्ती से बांध कर लगा दें, फिर आपका इंजन वैसे ही काम करेगा जैसे गवर्नर को करना चाहिए, इंजन को नहीं खोलना पड़ता है। इसका एक ऑलरेडी वीडियो पहले बना चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको। ये स्प्रिंग गवर्नर का ही काम करती है। और ये स्प्रिंग दोस्तों कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता है, जो यही लिस्टर इंजन में नीचे झूला में लगती है वही स्प्रिंग होती है ये। अभी बिंजो लगाकर इसको हम टाइट करेंगे। अगर वीडियो समझ में आई हो दोस्तों तो सब्सक्राइब यार करना मत भूलें और लाइक एवं शेयर जरूर करें। क्योंकि इसी तरह के हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते और डालते रहते हैं। इंजन में दोस्तों हर एक इंजन में कुछ ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं कि आप सारे उसके पुर्जे बदल देंगे हर एक पार्ट, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होगा, अगर स्टार्ट होगा लोड नहीं लेगा, धुआं भी देगा, और इसमें छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं जो सब दिक्कतें खड़ी कर देता है। जैसे मैंने ठोकर की आपको बात बताई, इसमें चाल हो गई थी उसकी गड़ारी में जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, अगर मार बढ़ाते थे तो पंप जाम करने लगता था प्लंजर को। ये दोस्तों ओल्ड मॉडल बजाज का 8 का इंजन है, वीडियो दोस्तों हम भले एक दो दिन लेट हो जाए डालने में, लेकिन हम जो डालते हैं तो ये सोचकर बनाकर डालते हैं कि आपकी समझ में आए और आपको अच्छी लगे।
ये जो आपको दिखा रहे हैं ये गवर्नर का काम करती है, पूरा गवर्नर का काम करती है। आप अगर गड़बड़ करता है आपका इंजन, स्पीड धीम तेज होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप एक बार आजमा कर देख लीजिए, फिर हमें कमेंट में बताइए कि मैंने जो बताया था तो गलत बताया था दोस्तों। वैसे ही काम करेगा जैसे नया गवर्नर काम करता है। फिर जब ज़्यादा गड़बड़ करने लगे तब आप फिर उसको बनवा सकते हैं। अगर आपका इंजन गड़बड़ कर रहा है तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं आपका कम से कम 2 से 3 साल इंजन हम ऐसे चलवा सकते हैं, स्प्रिंग से धीम तेज नहीं होगा, ये गारंटी है। अब दोस्तों इसको बिंजो खुल गया था, अब ये बिल्कुल क्लियर है, ये एयर ले लेगा, इसलिए इसको हम चेक कर रहे हैं। दोस्तों इसमें एयर है, आप देख लीजिए इसमें झाग बन रहा है, इसमें एयर है, ये देखिए जितना चाहिए उतना प्रेशर ये नहीं दे पा रहा है। इसका ये बिंजो खोल लेंगे हम, कहीं कहीं इसको बिंजो, कहीं कहीं इसको लोग गट्टा बोलते हैं। इसको डीबी को उठाकर हम एयर को निकाल दिए हैं। इसमें दोस्तों एक बात बता दें हम आपको, इसमें जो छोटे इंजन होते हैं कॉमेट वाले, उससे इसमें एयर निकालनी बहुत आसान होती है, इसमें बहुत जल्दी हवा निकल जाती है एयर। इसको टाइट कर दिए हम दोस्तों। हम आपसे एक बार फिर कह रहे हैं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे अगर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब ये सब कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब हम आपको स्टार्ट करके दिखा रहे हैं, और हम कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि इंजन एक ही इसको हैंडल में स्टार्ट होना पड़ेगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।